आपको इन पौधों के शेडेड होने का सीक्रेट बताने लगी हूँ। चले स्टार्ट करते हैं, इसको गौर से सुनिएगा। सबसे पहले हमें इतना सा दूध निकाल के लाई हूँ बकरी का पानी में फर्टिलाइजर बनाने के लिए, और ये मैंने मोटर के अंदर पानी ले लिया। मैं इसके अंदर इसको ऐड कर दिया। ये नहीं चल रहा ना, अब मैं इससे सब पत्तों को स्प्रे कर दूंगी। इसको तो अच्छे से करो। देखिए उसके पत्ते इस तरह शाइनी हैं क्योंकि मैंने पहले भी ले किया हुआ है। इसकी ब्रांचें तो बहुत बड़ी हो गई हैं, माशाल्लाह। देखो इनको ऊपर इसके साथ ना खुद ना खुद हैंग करना पड़ेगा। चलिए करके देखो। ये देखिए इनकी ब्रांचें माशाल्लाह कितनी बड़ी हो गई हैं। लगता है इनको ऊपर हैंग करना पड़ेगा। और मैं इनके अंदर जो घर में अंडे बनते हैं उनके छिलके भी इनमें तोड़ के अच्छी तरह से डाल देती हूँ, और इसमें आप केले के छिलके भी डाल सकते हैं। धूप में रखे तो धीरे के लिए उसके बाद सुखाए। देखिए ये छोटा सा पत्ता आ रहा है, इसके ऊपर भी शेड आ रहा है क्योंकि इसके ऊपर भी मैंने स्प्रे किया है। ये नहीं है कि आप किसी एक टाइम पर दें, आप जब मर्जी चाहें, दिन को रात को शाम को जब भी आपको टाइम मिले रोशनी मिले देना जरूर है, लेकिन रोशनी होनी चाहिए। अच्छा धूप में नहीं, अच्छा मैं धूप में अगर देंगे तो फिर इसका असर नहीं होगा। अब इसमें जितने भी पत्ते आएंगे इंशाल्लाह उनमें भी ऐसे ही कलर आएंगे जैसे कि अभी मैंने आपको एक फोटो दिखाया।